क्या मोबाइल का इस्तेमाल केवल फोन करने और मैसेज भेजने के लिए ही किया जाता है? पक्का? आप अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल मोबाइल बैंकिंग समेत अनेक सेवाओं के लिए कर सकते हैं, लेकिन भारत में लाखों लोगों को ये मालूम नहीं है। उनका क्या, वो अपने फोन में मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? बस एक आसान नंबर की मदद से *99#। अब प्रत्येक व्यक्ति अपने मोबाइल हैंडसेट में इस नंबर के इस्तेमाल से बैंकिंग सेवाएं प्राप्त कर सकता है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, *99# की मदद से प्रत्येक मोबाइल बैंकिंग रजिस्टर उपभोक्ता सभी बैंकों के लिए एक ही नंबर जोड़कर बैंकिंग सेवाएं प्राप्त कर सकता है। *99# इंटरनेट के बगैर भी काम करता है और उसका इस्तेमाल किसी भी GSM मोबाइल हैंडसेट से किया जा सकता है, चाहे वो स्मार्टफोन हो या ना हो। देश के किसी भी कोने में से वित्तीय, अवित्तीय एवं वैल्यू एडेड सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं *99# जोड़कर। इतना ही नहीं, *99# सेवा 12 भाषाओं में उपलब्ध है और उसका 2400 घंटे इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा इस सेवा का इस्तेमाल करने के लिए कोई रोमिंग चार्जेस भी नहीं है। शुरुआत करने हेतु आपको केवल अपना मोबाइल नंबर मोबाइल बैंकिंग सेवाओं के लिए अपने बैंक के साथ रजिस्टर करना है। एक बार रजिस्टर हो जाने के बाद आप अपने मोबाइल में से *99# डायल करके वेलकम स्क्रीन पर जा सकते हैं। एक बार वेलकम स्क्रीन पर पहुंचने के बाद बैंक मेन्यू में जाने के लिए या तो 3 अक्षर का बैंक का संक्षिप्त नाम या आपके बैंक के IFSC कोड के प्रथम 4 अक्षर लिखें। IFSC आपके चेकबुक या पासबुक में लिखा होता है। बैंक का संक्षिप्त नाम NPCI की वेबसाइट एवं IMPS के सोशल मीडिया पेजेस पर लिखा होता है। अब आप दिखाए गए नंबर को चुनकर मेन्यू में सूचीबद्ध किसी भी अवित्तीय, वित्तीय या वैल्यू एडेड सेवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। अवित्तीय सेवाओं का इस्तेमाल करके आप अपने खाते में जमा राशि की जांच कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट प्राप्त कर सकते हैं, MPIN प्राप्त कर सकते हैं या उसे बदल सकते हैं, MMID देख सकते हैं और OTP प्राप्त कर सकते हैं बस एक बटन दबाकर। आपको केवल इतना करना है, अपना पसंदीदा विकल्प चुनें और अवित्तीय पूछताछ करें। *99# की मदद से आप इंस्टेंट मनी ट्रांसफर जैसी वित्तीय सेवाएं भी प्राप्त कर सकते हैं। अब आप जिनको पैसे भेजने हैं उनके IFSC और अकाउंट नंबर या MMID एवं मोबाइल नंबर या आधार नंबर का इस्तेमाल करके पैसे भेज सकते हैं। जिनको पैसे भेजने हैं उनका IFSC एवं अकाउंट नंबर का इस्तेमाल करके पैसे भेजने के लिए विकल्प चुने IFSC का इस्तेमाल करके पैसे भेजें। उनका IFSC नंबर लिखें, एक स्पेस छोड़ें और फिर अकाउंट नंबर लिखें। उसके बाद राशि लिखें और एक स्पेस छोड़कर टिप्पणी लिखें जो वैकल्पिक है। MPIN का इस्तेमाल करके ट्रांजैक्शन प्रमाणित करें। एक बार ट्रांजैक्शन पूर्ण हो जाने के बाद आपको और लाभार्थी को अपने अपने बैंक से एक ट्रांजैक्शन की पुष्टि करते हुए एक मैसेज मिलेगा। इसी प्रकार आप लाभार्थी के MMID एवं मोबाइल नंबर या आधार नंबर का इस्तेमाल करके भी पैसे भेज सकते हैं। इन सेवाओं के अलावा *99# की ओर से एक और मूल्य वर्धित सेवा भी उपलब्ध है, जिससे उपयोगकर्ता बैंक के साथ अपने आधार सीडिंग या लिंकिंग स्थिति की भी जांच कर सकता है। आपके मोबाइल फोन में से *99# डायल करके भी ये सेवा प्राप्त की जा सकती है। बात यहाँ पर खत्म नहीं होती, आप केवल बैंक का निश्चित कोड डायल करके भी आपके बैंक मेन्यू तक पहुँच सकते हैं। बैंक कोड्स की सूची NPCI की वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है या इसके लिए आप अपने बैंक की नजदीकी शाखा को भी संपर्क कर सकते हैं। अब आपको पता चला कि किसी भी फोन से मोबाइल बैंकिंग सेवा का इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको सिर्फ इतना करना है, मोबाइल बैंकिंग सेवाओं के लिए आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर करवाएं। ट्रांजैक्शन करते वक्त आवश्यक जानकारी जैसे कि लाभार्थी का IFSC, खाता संख्या, MMID, मोबाइल नंबर इत्यादि अपने पास रखें। *99#, मोबाइल बैंकिंग को लाए आम आदमी के द्वार।